गिडियान सपनों की उड़ान। हेलो बच्चों, ये है गिडियान सपनों की उड़ान। यहाँ हम उड़ान भर के अपने सपनों की दुनिया में जाते हैं और साथ में बहुत सारी मजेदार कहानियाँ सुनते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि आप एकदम खुश होंगे। और अब आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उससे तो आप और भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, कहानी सुनाने से पहले एक बात बताइए, क्या आपके पास पेंसिल है? मेरे पास तो है, मेरे पास तो रबड़ भी है। ये जो रबड़ और पेंसिल है ना, आज मैं आपको इनकी एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार पेंसिल ने कागज पर कुछ लिखा, मगर वो गलत हो गया। ये देखकर रबड़ आया, जल्दी से कागज पर चढ़ा और उसने पेंसिल का लिखा हुआ साफ कर दिया। पेंसिल खुश हो गई, उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू रबड़। रबड़ भी खुश हो गया, उसने सोचा, पेंसिल कितनी अच्छी है, मैंने तो बस अपना काम किया, लेकिन पेंसिल ने मुझे कितने प्यार से थैंक यू बोला। अगले दिन फिर से पेंसिल ने कागज पर कुछ लिखा, इस बार बिल्कुल ठीक लिखा, मगर रबड़ को लगा कि शायद गलत लिखा है। वह फिर से कागज पर चढ़ा और पेंसिल का लिखा हुआ सब कुछ मिटा दिया। पेंसिल को बहुत बुरा लगा, वह उदास हो गई। उसने रबड़ से कोई बात नहीं की। रबड़ को समझ आ गया था कि उसने गलती की है। वह पेंसिल के पास गया और बोला, सॉरी पेंसिल, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। पेंसिल ये सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं रबड़, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और अब तो तुमने सॉरी कह दी है, हम फिर से दोस्त हो गए। दोनों ने हाथ मिला लिया और इस तरह रबड़ और पेंसिल में फिर से दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आपसे भी कभी कोई गलती हो जाती है, जैसे कि किसी पर आपका धक्का लग जाए, आपके हाथ से कोई चीज गिर जाए, कोई खिलौना टूट जाए, ऐसे में आपको सामने वाले से सॉरी बोलना है। आपको कहना है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। चाहे सामने कोई भी हो, आपका कोई दोस्त, मम्मी पापा या फिर टीचर। सॉरी कहने वाले बच्चों को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, उनकी दोस्ती पेंसिल और रबड़ जैसी हो जाती है। सॉरी कहने पर दोस्त गुस्सा भी नहीं होते। और अगर कभी आपको बाद में याद आए कि आपने किसी पर बेवजह चिल्लाया था, आपने किसी को हर्ट किया था, कि आपने कोई गलती कर दी है, तो बाद में भी आपने जिसे हर्ट किया है, आप उनके पास जाकर उन्हें सॉरी बोल सकते हैं, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। और आपको भी जब कोई सॉरी बोले तो आप उसे माफ कर दीजिए। और अब बात थैंक यू की। जब मम्मी आपका टिफिन बनाती है, पापा आपको स्कूल के लिए छोड़ने जाते हैं, आपके दोस्त आपकी हेल्प करते हैं, तो उस समय आपको उन्हें मुस्कुराकर थैंक यू कहना है। ऐसे थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। जब दुकान वाले अंकल से आप कोई सामान खरीदते हैं तो सामान लेने के बाद भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए, इससे दुकान वाले अंकल को अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मेरी तरफ से भी थैंक यू बच्चों कि आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना। तो मुझे लगता है कि अब आप जरूर याद रखेंगे कि आपको कब सॉरी बोलना है और कब थैंक यू। तो चलिए, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए।